भाजपा महिला मोर्चा जबलपुर के द्वारा अश्विनी परांजपे जी के नेतृत्व में हमारे युग पुरुष अटल व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देवलोक गमन पर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ पर हम लोगों ने रामधुन कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनकी आत्मा की शांति हेतु हम लोग यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे। वो एक ना केवल राष्ट्रभक्त, वो एक कुशल शासक भी थे, वो एक कुशल कवि भी थे, वह एक हम सबके मार्गदर्शक थे। हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी इस वर्गीय कर्मभूमि पर एक नाम देना चाहते हैं। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह तय किया है कि इस तिराहे का नाम अटल तिराहा आज से घोषित किया जाता है, और जो हम कल आधिकारिक रूप से तहसीलदार सीएम तक यह पत्र भेज देंगे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। देश के लिए आगे किया, हम पार्टी के लिए नहीं दे सकते हैं, प्रेरणा से हम सब संकल्प पार्टी जो उन्होंने पार्टी के लिए किया और उन्होंने पार्टी के लिए प्रेरणा देश हम सब उससे प्रेरणा लेते हैं और आगे हम उनके कारण हमेशा याद करते हैं। ऐसा महापुरुष जिसने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी अपना सिक्का जमाया और बहुत कम समय के लिए वो प्रमाण किया है, 1 बार 13 महीने 13 दिन के लिए, 1 बार 13 महीने के लिए
और एक बार एनडीए के साथ, जिसने सारी पार्टियों के साथ मिलकर और 5 साल किस तरह से सरकार चलाई, सबको साथ लेकर, जिसमें जरा भी ये नहीं सारी लेकर कैसे सरकार चलाना, ये सब एक अन्य पार्टियों के लिए अच्छा संकेत दिया। और उसके बाद में जो हमारी सरकारें चली वो इसी आधार पर अन्य सरकारें चली, श्रद्धा अर्पित करती हैं उसके साथ में। ये क्षति जो पार्टी की हुई है वो कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। वास्तव में ऐसे जिनको हमेशा याद देश के सच्चे सपने, पहली बार प्रधानमंत्री चलने वाली देश के रहने वाली देश में बात करने वाले गरीबों के मसीहा हमारे करता हूँ भगवान।
अपनी बीमारी के कारण ये लोग हमेशा उनके साथ रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा की।